नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे थे टॉप 100 क्वेश्चंस टीजीटी कमीशन आर्ट्स और अलाइड सर्विसेज के लिए। 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहली वीडियो में डिस्कस, अब करते हैं अगले क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रिट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किस शासक ने दिल्ली पर हमला करके लूटा था? ऑप्शन है नादिर शाह, महमूद गजनवी, बहादुर शाह जफर या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नादिर शाह, जिसने अटैक किया था मोहम्मद शाह पर 1739 में। है कोहिनूर हीरा के साथ साथ लूटकर ले गया था तख्ते ताऊस भारत से मोहम्मद शाह से छीनकर। और नादिर शाह को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ पर्शिया भी। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किस हिंदू शासक ने की थी? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी या उपरोक्त सभी ने मिलकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवाजी ने। बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शंस है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ए या विटामिन डी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन B1 की कमी से। जिस प्रकार भारत में चलने वाली स्थानीय पवन को लू कहा जाता है, उसी प्रकार से सिमोम किस देश की स्थानीय पवन है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ईरान या पाकिस्तान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। टुगेला नामक जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, उत्तरी अमेरिका या भारत के पूर्वी भाग में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। प्राचीन भारत में इराक को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अबिसिनिया, कंपोचिया, मेसोपोटामिया या निप्पन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया यानी कि इराक की सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है शिवगढ़ में, शिवनेर में, शिवपुर में या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवनेर दुर्ग में। मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यह नियम किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन है 1980, 1974, 1999 या फिर 1967। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1974 के बाद से। अगला क्वेश्चन है, पुणे को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फूलों की नगरी, दक्षिण की रानी, भारत का पेरिस या समुद्र पुत्र। और इसका सही जवाब है दक्षिण की रानी यानी डेक्कन क्वीन, जबकि भारत का पेरिस बोला जाता है जयपुर को। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 मई, 14 नवंबर, 20 जून या 22 मार्च। और इसका सही जवाब है 22 मार्च को। तो 22 मार्च को हर साल हम मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानने वाली नदी कौन सी है, जिसे नदीतमा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, यमुना या भागीरथी। और इसका सही जवाब है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है और सभी नदियों की जननी से बोला गया है, जबकि गंगा और यमुना का वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद में एक एक बार और सर्वाधिक वर्णन मिलता है सिंधु नदी का। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल या LPG गैस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि किस किस के मध्य में हुई थी? ऑप्शन है गंगा भट्ट तथा शिवाजी के मध्य, रजिया सुल्तान तथा शिवाजी के मध्य, अकबर तथा शिवाजी के मध्य या फिर महाराणा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह, जो कि मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे और शिवाजी के मध्य में। राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पालमपुर, नई दिल्ली, जयपुर या बेंगलुरु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। वाहनों में लगा दर्पण किस प्रकार का होता है, जिसका प्रयोग पीछे आ रहे वाहनों का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, यानी कि साइड मिरर्स होते हैं? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित देशों को घटते हुए क्रम में लिखिए। ऑप्शन है रूस, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रूस का, जबकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर ऑप्शंस में से आएगा कनाडा, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और फिर है भारत। तो भारत का दुनिया में है 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी? ऑप्शन है मानसरोवर, चिल्का, पुलिकत या डल झील। और इसका सही जवाब है चिल्का झील, उड़ीसा में, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? ऑप्शन है सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य पहाड़ मंदिर, दक्षिणार्क मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोणार्क मंदिर, जो कि है उड़ीसा में और इसे बोला जाता है ब्लैक पेगोडा, जो कि बनाया था गंग शासकों ने। सीयूकी के नाम से किसका वृत्तांत प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फायान, टेसियस या हेरोडोटस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग आयत्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में, और इसने भारत में आके लिखी थी एक किताब सीयूकी अर्थात माई एक्सपीरियंस।
इनमें से कौन सी रेखा एशिया से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। और इसका सही जवाब है मकर रेखा, क्योंकि एशिया मौजूद है उत्तरी गोलार्ध में जबकि मकर रेखा मौजूद है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण में। हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा बना था? ऑप्शन ए बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किन्नौर, जिसे पहले चीनी बोला जाता था और 1960 में यह बना था हिमाचल का छठा जिला, जबकि बिलासपुर पांचवा जिला बना था 1954 में और कुल्लू और लाहौल बने थे 1966 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, गोपाल, धर्मपाल या राजाराज प्रथम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाल शासक धर्मपाल ने, जबकि कुमारगुप्त ने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। गोरों की कब्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोमालिया, रोहतांग, ईरान या गिनी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गिनी। गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्ष का फर्क है? ऑप्शन ए 241, 319 वर्ष, 78 वर्ष या 58 वर्ष। और इसका सही जवाब है 241 वर्ष। तो हम जानते हैं शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, जबकि गुप्त संवत की शुरुआत की थी श्री गुप्त ने 319 ईस्वी में। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा 241 वर्ष। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी? ऑप्शन से 3,214 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 7,600 किलोमीटर या 7,516 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, जबकि भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ऑप्शन ए लॉत्से, सैडल पीक, डोडा बेटा या अन्नामोड़ी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैडल पीक, जबकि अन्नामोड़ी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की और डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। किस मुगल कालीन प्रसिद्ध महिला ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, असमत बेगम, नूरजहां बेगम या जोधा बेगम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असमत बेगम, जो कि मां थी नूरजहां की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, राधास्वामी वेंकटरमन या शंकर दयाल शर्मा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह। और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। मालवा का पठार इन दो में से किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में? ऑप्शन अरावली सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, अरावली विंध्याचल या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है अरावली और विंध्याचल के बीच में। पिग्मेलियन पॉइंट किसका अन्य नाम है? आपके पास ऑप्शन है इंदिरा कोल, सर क्रीक, बांगलू या इंदिरा पॉइंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु भी है। मकबरा कौन सा है जो शुद्ध इस्लामिक शैली से बनाया गया है? ऑप्शन है अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा, बलवन का मकबरा या हुमायूं का मकबरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलवन का मकबरा। किन दो मुगल शासकों का मकबरा भारत में मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए अकबर हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर औरंगजेब या ऑप्शन डी अकबर बाबर। और इसका सही जवाब है बाबर जहांगीर। तो बाबर का मकबरा है काबुल में, जबकि जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2006, 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2008 या फिर 2 अक्टूबर 2009। और इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2009। भारत में जीडी का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र से आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या ये सभी। और इसका सही जवाब है टर्शरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र, जिसमें मौजूद है सेवाएं। भारत की जीडीपी का सबसे कम आता है द्वितीय क्षेत्र से, यानी कि प्रोडक्शन या मशीनरी से। तो हमारा सबसे बिग पॉइंट है द्वितीय क्षेत्र। अदृश्य निर्यात से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, प्रतिभूतियों का निर्यात से या फिर और भी दोनों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेवाओं के निर्यात से। अगला प्रश्न है चांचलदरा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और आपके पास ऑप्शन है किन्नौर, चंबा, कांगड़ा या शिमला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिमला में। कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है एमएस रंधावा, देवराज शर्मा, डी एन मंजूमदार या शोभा सिंह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एमएस रंधावा। तो कांगड़ा पेंटिंग बुक के लेखक है एमएस रंधावा, जबकि कांगड़ा की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है द कांगड़ा ब्राइड, उसे बनाया था शोभा सिंह ने। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1862, 1871, 1881, 1891। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1862, 1862 में। तो मद्रास उच्च न्यायालय भारत के सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है और 1862 में तीन उच्च न्यायालय बने थे, जिसमें प्रमुख थे कलकत्ता हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट। विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में रहता है? ऑप्शन ए 6%, 16%, 20% या 22%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष अस्तित्व में आई? ऑप्शन ए 1995, 1997, 1999, 2001। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान।
आरबीआई किसके अंतर्गत करेंसी नोट जारी करती है? ऑप्शन स्थायी न्यायतंत्र, अधिकतम न्यायतंत्र, न्यूनतम आरक्षित तंत्र या फिर अनुपातिक आरक्षित तंत्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपातिक आरक्षित तंत्र। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? ऑप्शन ए 82वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2002 में, इसी के तहत जोड़ा गया था आरटीई आर्टिकल नंबर 21A में। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी, पंडित सुचेता कृपलानी, अमृत कौर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी, जो कि मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। अब बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू थी स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, जबकि विजय लक्ष्मी पंडित थी यूएनओ में जाने वाली पहली भारतीय। और अमृत कौर की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय मंत्री, और इन्हें उस दौरान दिया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैधानिक निकाय। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब तक रही? ऑप्शन ए 1911, 1946, 1947, 1950। और इसका सही जवाब है 1947 में। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था 1864 में लॉर्ड लॉरेंस ने। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे के लेखक कौन थे? मियां गोवर्धन, शांता कुमार, मनमोहन सिंह या फिर एम एस रंधावा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांता कुमार। 2019 में सीबीआई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए आलोक कुमार वर्मा, रंजीत सिन्हा, ऋषि कुमार शुक्ल या ओपी रावत। और इसका सही जवाब है ऋषि कुमार शुक्ल को। और लास्ट क्वेश्चन है, बजट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चमड़े का थैला, प्लास्टिक का थैला, कपड़े का थैला या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा।